हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 4:16 डिकोडर यूजिंग 3:8 डिकोडर। ठीक है, तो सबसे पहले इन दिस केस नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इनपुट्स 4। वेरिएबल क्या यूज होंगे, ए बी सी डी, दिस इज द नंबर ऑफ आउटपुट्स। ठीक, इससे हमें बनाना है, दिस इज द अवेलेबल डिकोडर और ये हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 3:8 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाई अवेलेबल आउटपुट इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमें कितने चाहिए होंगे आउटपुट पर, 2 लगाने होंगे 3:8 डिकोडर। ये मैंने एक यूज किया 3:8। ठीक है, इसमें इनपुट्स कितने होंगे, 3 इनपुट्स, आउटपुट्स कितने हैं 8। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वन मोर 3:8, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक, अब आउटपुट्स अगर हम 3:8 की बात करें तो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 4:16 के लिए दिस वन आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, आउटपुट 5, आउटपुट 6, आउटपुट 7। ये आउटपुट 8, आउटपुट 9, आउटपुट 10, आउटपुट 11, आउटपुट 12, आउटपुट 13, आउटपुट 14 एंड आउटपुट 15। ठीक है, ये हो गए इसके 16 आउटपुट्स। नाउ 3 इनपुट्स हैं, मींस कि इसके पास 3 इनपुट लाइंस होंगी जो कि कॉमन होंगी फॉर बोथ 1, 2, 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन से वेरिएबल्स कॉमन होंगे जो कि कनेक्टेड होंगे इसके साथ, तो ठीक है, तो हम पहले इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। 4:16 की ट्रुथ टेबल ऑफ 4:16 ए बी सी डी सारे कॉम्बिनेशंस में लिख लेते, 0, 0, 0। ये सारे कॉम्बिनेशन, ठीक, तो ये मैंने सारे कॉम्बिनेशंस लिख दिए। अब इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट्स, यहाँ पर हमें आउटपुट ओ 0 की वैल्यू 1, यहाँ आउटपुट ओ 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ ओ 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ ओ 3 इज इक्वल टू 1। मैं सारे राइट डाउन कर लेती हूँ, ओ 14 इज इक्वल टू 1 और लास्ट ओ 15 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हमारे पास ये 2 लग रहे हैं, हम 2 को डिवाइड, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, दिस पोर्शन। ठीक है, अब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो यू कैन सी कि फॉर अपर पोर्शन ए इज इक्वल टू क्या है 0 एंड फॉर लोअर पोर्शन ए इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1, बाकी जो 3 डिजिट्स हैं इनको अगर हम इस वाले को हिडन कर दें ए की वैल्यू को, तो यू कैन चेक 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, सेम चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें कॉमन कर देंगे। इसको लिखा मैंने बी सी डी, ये इसके बी से कनेक्टेड, ये इसके सी से कनेक्टेड, ये इसके डी से कनेक्टेड। ठीक है, ये 3 इनपुट्स जो कॉमन हो गए। अब आया ए, ए को एज अ इनेबल हम यूज़ करेंगे और हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके 2 ऑप्शन है, या तो आप नॉट गेट के थ्रू कनेक्ट करो या आप 1:2 डिकोडर के थ्रू। तो पहले मैं इसको नॉट गेट के थ्रू बता देती हूँ ए। ठीक है, फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या है 0, मीन्स हम एक नॉट गेट के थ्रू अप्लाई करेंगे इस वाले डिकोडर के इनेबल पर और डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इसके इनेबल पे। ठीक है, अब किसी एक के लिए हम इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं 2 कॉम्बिनेशंस के लिए। ठीक, सपोज हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं, दिस वन। ठीक है, इस केस में ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 0, सी की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू क्या है 1। ठीक, 0, 1, 1 इज इक्विवेलेंट टू 3, मीन्स कि इसका भी थर्ड आउटपुट 1 होगा, इसका भी थर्ड आउटपुट 1 होगा। ठीक, अब ए पे डिपेंड करता है, ए की वैल्यू क्या है 0,
अगर जीरो है तो इस इन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा, वन। इस वन, ये वन कहाँ अप्लाई होगा, ई पर, मीन्स कि ये वाला सर्किट इनेबल हो जाएगा, दिस सर्किट विल बी ऑन एंड दिस सर्किट को क्या मिल रहा है, जीरो, मीन्स कि ये क्या होगा, ऑफ। जब ये सर्किट ही ऑफ होगा तो ऑब्वियस है यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगी, आउटपुट हमें कहाँ मिलेगी, ओ थ्री पर वन मिलेगी, डन। ठीक, वन मोर केस ले लेते हैं। अब एक केस हम नीचे से ले लेते हैं, इसका केस लेते हैं दिस वन, ठीक है। इन दिस केस ए की वैल्यू क्या है, वन, डन। बी की वैल्यू क्या है, जीरो। सी की वैल्यू क्या है, जीरो। डी की वैल्यू क्या है, वन, डन। ये होगी वैल्यूज। अब जीरो जीरो वन पर हमारा क्या सेलेक्ट होगा, इधर से दिस वन और इधर से दिस वन, ठीक। ए की वैल्यू वन है, मीन्स कि इन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा, जीरो। इन्वर्टर का आउटपुट जीरो होगा तो दिस सर्किट विल बी ऑफ, और वन होगा तो दिस सर्किट विल बी ऑन। अगर ये सर्किट ऑफ होगा तो इधर तो हमें हाई मिलेगा नहीं, हमें हाई कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4:16 डिकोडर यूजिंग 3:8 डिकोडर। थैंक यू। दिस नॉट गेट, अगर हमें इसको भी सिर्फ डिकोडर से बनाना हो तो इस सर्किट में थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे। नाउ मैं सेम बना देती हूँ 3:8 को बहुत शॉर्ट में, कि उसके नॉट गेट को रिप्लेस कर देते हैं 1:2 से। ये हमारा हो गया, थ्री सर्किट को बना रही हूँ, नॉट गेट को रिप्लेस कर रहे हैं 1:2 से। 1:3:8 लगाया, एक 3:8 लगाया, 8 इनपुट्स इसकी, 8 इनपुट्स इसकी। यहाँ पर हमने यूज़ किया एक 1:2, जिसका एक इनपुट क्या होगा, ए। टू आउटपुट्स होंगे, फर्स्ट आउटपुट इसके लिए इनेबल की तरह वर्क करेगी, सेकेंड आउटपुट इसके लिए इनेबल की तरह, ठीक है। और इनकी जो कॉमन इनपुट्स होंगी डी सी डी, इसकी इनपुट ये कॉमन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नॉट गेट को रिप्लेस कर दिया बाय डिकोडर। अगर आपसे कहा जाता है कि इम्प्लीमेंट 4:16 डिकोडर यूजिंग 3:8 एंड 1:2, तो आपका दिस सर्किट। थैंक यू।